कलेक्टर ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर किया वृक्षारोपण। सागर से एसएन पटेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के कलेक्टर दीपक सिंह ने अचानक करीब 1 बजे देवरी तहसील की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देख पीने का पानी, शौचालय की साफ सफाई व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्था अच्छी तरीके से जल सुचारू कराने के SDM देवरी को निर्देश दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर के पास आजीविका प्रशिक्षण केंद्र में जाकर समूहों की महिलाएं द्वारा बनाए जा रहे मास्क व अन्य कपड़ों को देख तारीफ की व सभी को बधाई दी। इसके बाद भ्रमण करते हुए BRC ऑफिस पहुंचकर सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ BRC परिसर में वृक्षारोपण किए गए, जिसमें कलेक्टर सर द्वारा सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वृक्षारोपण किए जा रहे वृक्षों की रखरखाव की व्यवस्था कर देखरेख भी करें। इसके बाद तहसील कार्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया व कार्यालय के सभी विभाग के कर्मचारियों की जानकारी कर तहसील के सभी पेंडिंग कार्यों को तेजी से करने के निर्देश तहसीलदार को दिए। तहसील ऑफिस निरीक्षण के बाद शासकीय संजय निकुंज देवरी उधानी के विभाग नर्सरी ऑफिस पहुंचकर कलेक्टर द्वारा वृक्षों के बारे में जानकारी ली गई व कहा कि वृक्ष तो ज्यादा मात्रा में है, फिर भी और अधिक वृक्ष रखने का प्रयास करने की बात की। नर्सरी भ्रमण के बाद नोरादेही अभ्यारण SDO के साथ चौकी में भोजन कर भ्रमण किया। अभी हमारे जो 2-3 मुख्य काम चल रहा है, इसमें तो किल कोरोना के लिए जो फीवर सर्वे के लिए पूरा अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत हमने पूरे जिले में लगभग 327 टीम्स बनाई। ये टीम हर गांव में हर व्यक्ति का परीक्षण कर रहे हैं और फीवर ले रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति फीवर से आ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि वो कोविड सस्पेक्ट है या मलेरिया का है या डेंगू का है। मलेरिया जांच की किट भी हमने सर्वे करके दी है। अगर कोई व्यक्ति सारी या IELTS मिलते हैं तो तत्काल हम उनको फीवर क्लिनिक में लाकर उनकी जाँच करते हैं और अगर आवश्यकता होती है तो उनके कोरोना के सैम्पलिंग भी किए जाते हैं। जहाँ पर देवरी में फीवर क्लिनिक भी बहुत अच्छे से विगत 1 महीने से संचालित है और उसमें जो भी सारी या IELTS के फीवर के लोग आ रहे हैं उनके उपचार की व्यवस्थाएँ भी की जा रही हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल में महिलाओं के प्रसव का कार्य भी ठीक से चल रहा है। पुरुष वार्ड महिला वार्ड की अलग अलग व्यवस्था की गई है, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ दो ही हैं, इसके बावजूद वो लोग काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर छोटी मोटी समस्याएं हैं, पानी टॉयलेट्स और पार्किंग के लिए, तो नगर पालिका सीएम साहब